हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट, एक नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए, अभी तक जो हमने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्या था कि आयोटा इक्वस टू रूट ऑफ माइनस वन एंड आयोटा स्क्वायर इक्वस टू माइनस वन, ठीक है, ये सीखा हमने अभी तक। अब एक चीज देखिए कि आयोटा का स्क्वायर करता हूं या माइनस आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या आया आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और वो क्या आया आपके पास माइनस वन। तो देखिए आयोटा का स्क्वायर भी आपका माइनस वन है और माइनस आयोटा का स्क्वायर भी आपका माइनस वन है। यानी कि अगर आपसे यूं पूछा जाए कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको माइनस वन का, तो उसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर आपके पास होगा प्लस माइनस आयोटा, जैसा कि हम रियल नंबर्स में करते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ फोर, फोर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है तो आंसर क्या लिखते हैं आप, प्लस माइनस टू। ऐसे ही यहां ऊपर देखिए, अगर स्क्वायर रूट आपसे माइनस वन का पूछा जाए तो उसका आंसर होगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस वन मिलेगा आपको, और माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस वन मिलेगा आपको। अब कंफ्यूजन क्या है इसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है देखिए, अगर आपको ये गिवन हो पहले से कि माइनस वन है आपके पास तो इसको इक्वल टू लिखना है आपको आयोटा ही, ठीक है, उसमें प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे आप फिर, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल प्रोवाइड किया गया है रूट माइनस वन को, ये सिंबल प्रोवाइड किया गया है आयोटा, ठीक है। उसकी मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस जो हैं वो बाद की बात है। ऐसे ही आपको रूट माइनस टू गिवन है तो आप उसको क्या लिखेंगे, रूट टू आयोटा। रूट माइनस थ्री आपको गिवन है तो क्या लिखेंगे, रूट थ्री आयोटा। अब जो बात है वो ये बची कि अगर ऐसा ना लिखा हो, सपोज मुझसे कहा जाए कि फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखिए उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपका रूट टू आयोटा बट प्लस माइनस। अब ऐसा क्यों, तो डिफरेंस समझिए आप कि अगर आपको माइनस टू रूट में गिवन है, ये अगर आपको माइनस टू रूट में गिवन है उसका मतलब आपको यूज करना है सिर्फ आयोटा, ठीक है, क्योंकि रूट माइनस टू हो गया आपका रूट टू इंटू रूट माइनस वन, और रूट माइनस वन इज आयोटा, ये सिंबल हमने प्रोवाइड किया है किसको, रूट माइनस वन को। बट अगर वो आपसे पूछता है अपनी तरफ से, ये आपको गिवन होगा, अगर आपको गिवन है तो आप यूज करेंगे ये रूट टू आयोटा, बट अगर वो पूछता है आपसे कि कोई एक रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, देखिए ये नेगेटिव रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट बताइए आप, तो फिर आपको ये लिखना है, ठीक है, तो फिर आपको ये लिखना है। यहां फिर सिंबल की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने किसी को कोई सिंबल नाम नहीं दे रखा, ये वो हो चुका, ठीक है। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है हमने इसका, तो उसका स्क्वायर करने पे हमें नंबर मिलना चाहिए, यानी कि रूट टू आयोटा इसका स्क्वायर करूं तो देखिए क्या मिलता है, रूट टू का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू और आयोटा का स्क्वायर क्या है माइनस वन, तो ये नंबर क्या हो गया माइनस टू। ऐसे ही अगर माइनस रूट टू आयोटा लेता हूं मैं, मैथमेटिक्स परफॉर्म कर रहे हैं हम, माइनस रूट टू आयोटा है तो इसका मतलब हुआ माइनस रूट टू आयोटा मल्टीप्लाई माइनस रूट टू आयोटा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, और रूट टू इंटू रूट
टू हो जाएगा और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये भी क्या है आपके पास माइनस टू। ठीक है, सो रूट टू आयोटा का स्क्वायर करूं या माइनस रूट टू आयोटा का स्क्वायर करूं, आपके पास आंसर माइनस टू ही आएगा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव या जो भी वैल्यू नेगेटिव में जो भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर आप प्लस माइनस दोनों का यूज करेंगे। बट अगर आपको यूं गिवन है कि रूट में है माइनस फाइव, तो आप सिर्फ यूज करेंगे फाइव आयोटा। ठीक है, अगर आपको गिवन है कि रूट में आपका माइनस सेवन है, तो आप क्या यूज करेंगे, रूट सेवन आयोटा, फिर प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है, आप उसको देख सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको यूज में ऐसे ही करना है। इसको आप यूं समझिए कि जैसे पाई जो है अपना इरेशनल नंबर है, ठीक है, 3.14 वगैरह वगैरह वैल्यूज इसकी चलती जाएंगी, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या यूज कर लेते हैं 22/7। 22/7 एक रैशनल नंबर है, बट पाई अपना इरेशनल होता है, तो फिर क्यों यूज करते हैं हम इसको, ताकि कैलकुलेशंस में हमारी आसानी हो जाए। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसके आसपास की वैल्यू है, कैलकुलेशंस में हमारे आसानी हो जाए इसलिए यूज करते हैं, और वो सब यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रूट में नेगेटिव वैल्यूज दे रखी है पहले से, तो आप क्या यूज करेंगे, आयोटा सिर्फ। और अगर आपसे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू पूछा जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसमें आपको जो मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। बट यहां क्या है, यहां सिंबल है ये। ठीक है, जैसे कि माइनस वन को हमने आयोटा एक सिंबल प्रोवाइड किया गया है, रूट माइनस वन को एक सिंबल प्रोवाइड किया गया है आयोटा, और उसी का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको अभी। इन जनरल अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास गिवन है रूट ऑफ माइनस ए, ठीक है, ये पहले से गिवन है, ये सिंबल आपको, ये पहले से गिवन है आपको, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रूट ए आयोटा। ठीक है, क्यों लिखेंगे हम ऐसा, क्योंकि रूट ए इंटू रूट माइनस वे में माइनस वन में हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, रूट माइनस ए का ब्रेक डाउन कर लेंगे हम रूट ए और रूट माइनस वन, और रूट माइनस वन को हमारा सिंबल गिवन है आयोटा। ठीक है, बट अगर आपसे माइनस ए का स्क्वायर रूट पूछा जाए, ए को रियल नंबर है और वो नेगेटिव है, ठीक है, सो इस नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछा जाए, तो फिर आपके पास दो आंसर होंगे, एक तो रूट ए आयोटा और एक माइनस रूट ए आयोटा, यहां आप प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब एक और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, आप अब तक यूज करते आए हैं कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी रूट ए बी हो गया, ये यूज करते आए हैं आप। ये रिजल्ट ट्रू है अगर ए इक्वस टू जीरो है और बी इक्वस टू जीरो है, तो भी ये रिजल्ट ट्रू है। इफ ए इज ग्रेटर देन सॉरी ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो है और बी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो भी ये रिजल्ट ट्रू है, हम इसका यूज कर सकते हैं आराम से। ए लेस देन जीरो है, यानी ए की वैल्यू नेगेटिव है, बट बी ग्रेटर देन जीरो है, तो भी ये वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ग्रेटर देन जीरो है बट बी लेस देन जीरो है, तो भी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। बट क्या होगा जब ए भी लेस देन जीरो है और बी भी लेस देन जीरो है, तो भी क्या ये रिजल्ट वैलिड होगा, सोचिए। देखिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वैल्यू है
कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा इज रूट माइनस वन, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर हम करते हैं तो वो हमारे पास माइनस वन आता है, ठीक है, आयोटा इज रूट माइनस वन एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन। बट अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में परफॉर्म करूं ये वाला अपना, ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आयोटा इंटू आयोटा, बिल्कुल सही हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, यहां भी मैं बिल्कुल सही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अगर मैं ये रिलेशन यूज करता हूं कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए इंटू बी, सो आप यहां लिख सकते हैं रूट माइनस वन इंटू माइनस यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, पर इसका रिजल्ट क्या आएगा, रूट माइनस वन इंटू माइनस वन यू विल गेट वन, और रूट ऑफ वन वन यू विल गेट वन। और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन होना चाहिए, बट यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की हमने इस रिलेशन से तो वो प्लस वन आ रही है। या कुछ यूं कह सकते हैं कि देखो जी रूट है, रूट में से आप हटाओगे तो प्लस माइनस वन आना चाहिए, ठीक है, प्लस से और माइनस दोनों यूज होनी चाहिए, जैसे यहां प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैं मान लेता हूं, माइनस वन भी एक पॉसिबिलिटी है तो प्लस वन भी एक पॉसिबिलिटी है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस वन है, सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जो है वो डिपेंड ही इसी चीज पे करती है। सो इसको कैसे दूर करें, इसको दूर करने का तरीका ये है कि ये जो रिलेशन है ये इन सब कंडीशंस में तो वैलिड है, बट अगर ए भी लेस देन जीरो है और बी भी लेस देन जीरो है, देन रूट ए इंटू रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी, तब हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, और बिल्कुल एक एक परसेंट का भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इनमें, ठीक है। ये रिलेशन जो है ये हम यूज नहीं करेंगे जब बोथ ए एंड बी आर बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव, तब ये रिलेशन हम यूज नहीं करेंगे। बाकी इन सभी कंडीशन में ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है, जब ये दोनों नेगेटिव हो, ए और बी दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, गॉट इट।